पेरिस ओलंपिक्स 2024 और रेसलिंग। ओलंपिक्स में भारत ने अभी तक कुल 35 मेडल्स जीते हैं, इनमें से रेसलिंग में 7 मेडल्स आए हैं। हमने रेसलर्स से ज्यादा ओलंपिक्स मेडल बस फील्ड हॉकी में जीते हैं। 26 जुलाई से जब इन गेम्स की शुरुआत होगी तब फिर फैंस रेसलिंग मैच शुरू होने का इंतजार करेंगे, क्योंकि इस गेम में भारत मेडल जरूर लाता है और इस बार ऐसा कमाल कौन कर सकता है, चलिए उन नामों पर चर्चा कर लेते हैं। अंतिम पंघाल हरियाणा से आने वाली एक और रेसलर। साल 2022 में इन्होंने खूब रिकॉर्ड्स तोड़े, लेकिन चर्चा में ये साल 2023 में आई। एशियन गेम्स 2023 के लिए फेडरेशन ने इनको नेशनल ट्रायल्स जीतने के बावजूद स्टैंड बाय में रखा और रेसलर्स प्रदर्शन में शामिल विदेश फोगाट को बिना नेशनल ट्रायल्स के इस टूर्नामेंट में भेजने का फैसला कर लिया। अंतिम ने इस फैसले पर खूब गुस्सा दिखाया था और कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया था, लेकिन इन सब के बीच विनेश के चोटिल होने के चलते अंतिम को खेलने का मौका वैसे ही मिल गया और इस टूर्नामेंट में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। लेकिन सिर्फ इसी मेडल के कारण इनको ओलंपिक्स मेडल का दावेदार नहीं बताया जा रहा है। 19 साल की अंतिम अपने करियर में अभी तक बड़े बड़े कमाल कर चुकी हैं। साल 2015 में उन्होंने अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद साल 2020 में उन्होंने जूनियर एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, फिर अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीता। साल 2022 में अंतिम वर्ल्ड अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली इंडियन रेसलर बनी। इसके बाद इस टाइटल को अगले ही साल डिफेंड भी किया। इसके अलावा साल 2023 में उन्होंने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया। ओलंपिक्स मेडल पर बात करते हुए अंतिम ने जियो से कहा था, देश ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है और मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरना चाहती हूँ। अगर मैं किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित कर देती हूँ तब मैं कोशिश करती हूँ कि इसको खत्म ही करके आऊं। खत्म रेसलर्स 2024 रेसलर्स प्रोटेस्ट के दौरान इस शब्द का खूब इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब इसी प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी आवाजों में से एक विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी और इन्हीं सो कॉल्ड खत्म रेसलर्स को पूरा इंडिया चेयर करेगा। इस प्रोटेस्ट से अलग आप ये जानते ही होंगे कि विनेश इंडिया की सबसे बेहतरीन विमेंस रेसलर्स में से एक हैं। 3 बार कॉमनवेल्थ गोल्ड, 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज और 1 बार एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीतने वाली विनेश तीसरी बार ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। रियो 2016 और टोक्यो 2020 में वो क्वार्टर फाइनल से बाहर हुई थी। रियो में तो वो इंजर्ड हो गई थी, लेकिन टोक्यो की हार ने लोगों को चौंका दिया था। विनेश उस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 थी। खैर, इसे पीछे छोड़ अब विनेश फिर से लड़ने वाली हैं और मेडल के साथ ओलंपिक्स से लौटना चाहती हैं। इस बारे में उन्होंने ओलंपिक्स कोटा जीतने के बाद कहा था, ये अभी तक मुश्किल रहा है, लेकिन जब आप जीतते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे संघर्ष का फल मिल गया। अगले 4-5 दिन मैं खुद में शांत फील करूंगी, लेकिन ओलंपिक्स मेन टारगेट है, मैं वो हासिल करने की कोशिश करूंगी जो बीते 2 ओलंपिक्स में नहीं कर पाई। विनेश का ये सपना थोड़ा मुश्किल भी लगता है, क्योंकि 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेलने वाली विनेश को ओलंपिक टिकट पाने के लिए 50 किलोग्राम में शिफ्ट होना पड़ा था। लेकिन एक पॉजिटिव ये भी है कि विनेश ने हाल में हुई स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। अब ऐसे में फैंस यही उम्मीद कर रहे हैं कि वजन घटाने के कॉम्पिटिशन से लड़ते हुए विनेश इस बार ओलंपिक्स मेडल जीत कर ही लौटे। अंशु मलिक 22 साल की रेसलर 57 किलोग्राम में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। अंशु ने 17 साल की उम्र में ही अपना ओलंपिक्स डेब्यू कर लिया था, हालांकि टोक्यो से उनको पहले राउंड से ही लौटना पड़ा, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होने वाला है। अंशु ने अब तक खेले ज्यादातर टूर्नामेंट्स में पोडियम फिनिश किया और उनसे ऐसी ही उम्मीदें इस बार के ओलंपिक्स में भी हैं। अब अंशु से इतनी उम्मीदें क्यों हैं ये भी आपको बताते चलते हैं। साल 2021 में अंशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली इंडियन महिला रेसलर बनी थी। साल 2020 से 24 तक हर साल हुई एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने पोडियम फिनिश किया। इस बीच हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सिल्वर मेडल जीता। बढ़िया तरीके से चलने वाले इस करियर में 2023 की एशियन चैंपियनशिप के दौरान ब्रेक लगा। अंशु इस टूर्नामेंट की सेमीफाइनल मैच में चोटिल हो गई, उनको गंभीर चोट लगी जिस कारण वो लंबे समय के लिए रेसलिंग से दूर हो गई। लेकिन चैंपियंस की यही खास बात होती है कि जब वो हर्ट होते हैं तो और बेहतर वापसी करते हैं। अंशु ने भी की। 1 साल बाद इंटरनेशनल मैच में उतरी अंशु ने एशियन ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट के जरिए पेरिस ओलंपिक्स की सीट पक्की की और फिर कहा, जो पिछले ओलंपिक्स में कमी रह गई थी वो इस ओलंपिक्स में पूरी करनी है।
अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले इकलौते पुरुष रेसलर। अमन 57 किलोग्राम कैटेगरी में लड़ने वाले हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट रहे रवि दहिया को ट्रायल्स में हराकर यहां तक जगह बनाई है और उनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन 21 साल के अमन की इस कहानी की वजह से उनको ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं माना जा रहा है। इसके पीछे का कारण उनका रिकॉर्ड और गेम है। तो चलिए उनके बारे में आपको बताते हैं। रवि दहिया अमन के आइडल हैं। दोनों सेम कैटेगरी में रेसलिंग करते हैं। साल 2022 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रायल्स हुए तो रवि ने अमन को बुरे तरीके से हरा दिया। इतने बुरे तरीके से कि अमन ने अपनी इस हार की वीडियोस को लगातार लूप पर देखा। फिर साल 2024 एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में खेलने के लिए हुए ट्रायल्स में उनको इस हार का बदला लेने का मौका मिला। अमन ने इस मौके को लपका, रवि को आइडल नहीं सिर्फ कॉम्पिटिटर की निगाहों से देखा और मैच की शुरुआत में पीछे रहने के बाद वापसी कर सिर्फ एक पॉइंट के मार्जिन से रवि को हरा दिया। लेकिन इस इवेंट से इंडिया का एक भी मेल एथलीट आगे क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस दौरान परेशान अमन की बात दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार से हुई। सुशील ने अमन को ऐसा मोटिवेट किया कि मई में हुए वर्ल्ड ओलंपिक्स क्वालिफायर्स में अमन ने पेरिस की टिकट कटा ही ली। अमन U23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के चैंपियन हैं। साल 2023 में उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। एशियन गेम्स 2023 में वो ब्रॉन्ज मेडल घर लेकर आए। इसके अलावा ओलंपिक्स के इस साल में उन्होंने जग्रेब ओपन सीरीज में गोल्ड मेडल जीता, फिर बुदापेस्ट रैंकिंग सीरीज में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अमन का ये रिकॉर्ड और उनका गेम उनको मेडल कंटेंडर बनाता है। हाँ, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन फिर छत्रसाल स्टेडियम के उनके कमरे की दीवार पर लिखी ये लाइन याद आती है, अगर ये आसान होता तो हर कोई इसे कर लेता। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से खिलाड़ी पोडियम पर फिनिश कर सकते हैं, उनके बारे में हमको कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।